आईपीएल सीजन 13 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में इंग्लैंड के इयोन मॉर्गन पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने बड़ा दांव खेला है। मॉर्गन को 5 करोड़ 25 लाख रुपए में कोलकाता ने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। मॉर्गन का बेस प्राइस 1.5 करोड़ था। मॉर्गन को खरीदने के लिए कोलकाता के अलावा सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स ने दिलचस्पी दिखाई। मॉर्गन पर पहली बोली दिल्ली की तरफ से लगी, लेकिन अंत में कोलकाता ने बाजी मार ली। दिल्ली 5 करोड़ खर्च करने को तैयार थी, लेकिन कोलकाता ने उनसे ज्यादा 25 लाख खर्च करते हुए 5 करोड़ 25 लाख में मॉर्गन को खरीद लिया। कोलकाता द्वारा मॉर्गन को खरीदने का एक कारण यह भी हो सकता है कि उन्हें टीम का नया कप्तान बनाया जा सकता है। दरअसल कोलकाता के पास अभी कोई अनुभवी कप्तान नहीं है। अब मॉर्गन के आने से कोलकाता को नया कप्तान बनाने की समस्या हल होती दिख रही है। बता दें कि मॉर्गन की कप्तानी में ही इंग्लैंड की टीम ने इस साल आईसीसी विश्व कप का खिताब जीता था। मॉर्गन कप्तानी के मामले में इंग्लैंड के सफल कप्तानों में से एक हैं। उन्होंने 111 वनडे मैचों की कप्तानी में 68 मैच जीते हैं। मॉर्गन आईपीएल के 2010 सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेल चुके हैं। वहीं 2011 से 2013 तक वो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेले। 2014 में मॉर्गन ने आईपीएल 2014 में प्रवेश नहीं करने का फैसला किया, लेकिन 2015 और 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले। 2017 की आईपीएल नीलामी में उन्हें किंग्स इलेवन पंजाब ने खरीद लिया था। अब उनके 2 सीजन बाद आईपीएल में वापसी हुई है, वो भी धमाकेदार बोली के साथ। मॉर्गन अभी तक खेले 52 आईपीएल मैचों में 854 रन बना चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही।